जैसा जैसा कानूनी रूप से हमें जरूरत पड़ेगी हम गुलाम हैदर को भारत में स्पॉन्सर करके बुलवाएंगे। हमने सीमा हैदर केस में गुलाम हैदर की कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और गुलाम हैदर का हक उसको दिलवाने के लिए, उसके चारों बच्चों से उसकी मुलाकात के लिए, चारों बच्चों की कस्टडी के लिए और उसके चारों बच्चों से मिलने के लिए और उसकी उनसे संबंधित तमाम लीगल कार्रवाई करने के लिए सीमा हैदर के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ, खुद सचिन के खिलाफ और जितनी बाकी लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उन सब के लिए, विशेषकर उसके बच्चों के लिए गुलाम हैदर का भारत में आकर सीमा हैदर के मामले में गवाही देने के लिए, उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था किस प्रकार वो गुलाम हैदर का 18 लाख रुपए का मकान आनन फानन में 12 लाख रुपए का बेच के गलत तरीके से भारत में दुबई और नेपाल के रास्ते से एंट्री कर गई थी और चार बच्चों को भी साथ में ले आई थी बिना गुलाम हैदर की नॉलेज के, तो उन सब मामलों में जो मुकदमा चल रहा है रघुपुरा में, एक FIR दर्ज है, जेवर कोर्ट में मुकदमा पेंडिंग है, उस मुकदमे में गवाह बनने के लिए अपनी गवाही सीमा हैदर के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ और सचिन मीना के खिलाफ देने के लिए और बच्चों की लीगल कार्रवाई के लिए गुलाम हैदर के भारत में आना और अपने सिग्नेचर वगैरह और दूसरे जरूरी काम के लिए आना, जैसा जैसा कानूनी रूप से हमें जरूरत पड़ेगी हम गुलाम हैदर को भारत में स्पॉन्सर करके बुलवाएंगे। इसी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाते हुए आज मैं भारत सरकार को गुलाम हैदर, पुत्र अमीर जान, सिंध कराची, पाकिस्तान को भारत का वीजा देने के लिए आज भारत सरकार को एक रिकमेंडेशन लेटर, एक स्पॉन्सर लेटर भेज रहा हूं और मैं भारत में उसका स्पॉन्सर आज बना हूं। वो जब भारत में आएंगे तो उसका निवास स्थान मेरे पास होगा पानीपत के अंदर और जरूरत के मुताबिक हम जेवर कोर्ट भी जाएंगे, हम गौतम बुद्ध नगर कोर्ट भी जाएंगे, हम फरीदाबाद की कोर्ट में भी जाएंगे, हम दिल्ली उन तमाम ऑफिसेज के अंदर भी जाएंगे जहां पर हमारे केस से संबंधित कोई भी मामला लंबित होगा या विचार करने योग्य होगा। तो गुलाम हैदर को हमारा पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायुक्त, हाई कमीशन ऑफ इंडिया इस्लामाबाद, मेरे स्पॉन्सरशिप पर, मेरी रिक्वेस्ट पर लीगल कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए, लीगल कार्रवाई को करने के लिए जल्द से जल्द वीजा प्रोवाइड कराएं, कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आज मैं ये स्पॉन्सर लेटर भारत सरकार को भेज रहा हूं ताकि गुलाम हैदर को जल्द से जल्द भारत का वीजा मिले। इसके साथ साथ जो गुलाम हैदर के साथ अंसार बरनी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं श्री अंसार बरनी साहब, अगर वो भी गुलाम हैदर के साथ भारत में आना चाहें लीगल प्रोसीडिंग को ज्वाइन करने के लिए, तो मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं और जो उनकी टीम के एडवोकेट्स हैं जो इस मुकदमे से जुड़े हुए हैं वो अगर आना चाहें तो मैं उनको भी भारत में आमंत्रित कर रहा हूं। और आज भारत सरकार को मैंने लिखा है कि जल्द से जल्द गुलाम हैदर को भारत का वीजा दे दिया जाए ताकि भारत में आकर के वो अपनी कानूनी लड़ाई को पूर्ण रूप से अंजाम दे सके और अपने बच्चों की कस्टडी को भी न्यायालय द्वारा ले सके और उन बच्चों को अपने साथ ले जा सके।
तो बच्चों की कार्रवाई को भी हमने काफी तेज गति के साथ आगे बढ़ा दिया है और हम भारत के न्यायालय से, भारत की न्याय व्यवस्था से, पुलिस कर्मचारियों से, भारत की सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि एक दुखी बाप की, जिसके बच्चे उससे दूर कर दिए गए, जिसका मकान बेच दिया गया और जिसके साथ धोखा करके एक बहुत बड़ा गलत काम किया गया, ऐसे व्यक्ति को जो भारत के लोगों से रोज हाथ जोड़कर गुहार लगाता है, जो हाथ जोड़कर भारत की सरकार से मदद मांगता है, जो भारत की मां बहनों से, भाइयों से मदद मांगता है, ऐसे व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हमने उसके बच्चों की कस्टडी के लिए और उसके बच्चों की जल्द से जल्द गुलाम हैदर के पास वापसी हो, उसको मिले, उस कानूनी प्रक्रिया को तेज करते हुए आज हमने भारत सरकार को गुलाम हैदर को वीजा देने के लिए स्पॉन्सर कर दिया है। और मैं खुद भारत में गुलाम हैदर का स्पॉन्सर हूं और लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए मुझे गुलाम हैदर की भारत में आने वाले टाइम में जरूरत पड़ेगी, गवाही के रूप में, बच्चों की कस्टडी के रूप में और तमाम ऐसे कार्यों के रूप में जो कि कानूनी रूप से आगे चल के अंजाम दिए जाने हैं। तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि हमने आज भारत सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन दी है जिसमें हमने भारत सरकार से गुलाम हैदर के वीजे के लिए कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो आने वाले समय में हमें पड़ेगी एक स्पॉन्सर लेटर भेजा है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस स्पॉन्सर लेटर पे काम करेगी और इसको स्वीकार करेगी। और जो अंसार वली ट्रस्ट के चेयरमैन हैं उनको भी मैं उम्मीद करता हूं कि वीजा दिया जाएगा और उनकी टीम के जितने भी वकील हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं, जिनके इस वकालतनामे पर भी साइन है, उनको भी वीजा दिया जाए ताकि वो लीगल प्रोसीजिंग को अडॉप्ट कर सके। और मैं अंसार बर्नी साहब का, उनकी लीगल टीम का और गुलाम हैदर का भारत में स्पॉन्सर हूं और मैं अपनी तरफ से स्पॉन्सरशिप भारत सरकार को उनको वीजा देने के लिए भेज रहा हूं। मेरी भारत सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द गुलाम हैदर का, अंसार बर्नी साहब का और उनकी टीम के वकीलों का वीजा क्लियरेंस करके तुरंत प्रभाव से वीजा जारी किया जाए और हमारा हाई कमीशन जो इस्लामाबाद में है, जो भारतीय उच्चायोग है, भारतीय उच्चायुक्त है, वो गुलाम हैदर की एप्लीकेशन को स्वीकार करे और जल्द से जल्द वीजा दे, ऐसा मेरा मानना है और ये स्पॉन्सरशिप मैं आज भेज रहा हूं। धन्यवाद।